नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारी क्लासिकल एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग सीरीज में, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 335 के बारे में, यानी कि 335। और जिस पॉइंट की आज हम बात करने वाले हैं वो पॉइंट हमारे यूरिन बेटर मेरिडियन का 64, यानी कि 64 नंबर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसकी लोकेशन जानते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से दोस्तों हमारी लेग होती है, फीट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे एंकल जॉइंट होता है, ठीक है, एंकल कुछ इस तरह से हमारा टार्सल जॉइंट होता है, ठीक है, उधर से फिफ्थ मेटाटार्सल है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा ये जो पॉइंट था यूवी 36 यहाँ पे था, और अब जो हमारा पॉइंट आज का जो पॉइंट है वो हमारा फिफ्थ मेटाटार्सल पे पड़ेगा, इससे जस्ट लगभग एक उंगली की दूरी पर, ठीक है, इससे जस्ट एक उंगली की दूरी पर फिफ्थ मेटाटार्सल पर, ये फिफ्थ मेटाटार्सल है, ठीक है, मेटाटार्सल, ठीक है। और ये यिन यांग का जो है ज्वाइंट होता है, यानी कि यिन और यांग जहां पे मिलता है वो बॉर्डर लाइन होती है ये वाली, ठीक है, बाहर वाली साइड, ठीक है, अंगूठा उस तरफ आ गया, स्मॉल फिंगर वाली साइड है ये बाहर की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा यूबी 64 यानी कि 64, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या रोग या क्या क्या समस्याएं इससे ठीक होती है वो जान लेते हैं, ठीक है। नंबर वन, अगर किसी को फिलोपियन ट्यूब से दोस्तों किसी को प्रॉब्लम हो, फिलोपियन ट्यूब रिलेटेड, कि जो फिलोपियन ट्यूब क्या होती है कि जो हमारी यूट्रस और ओवरी के बीच में जो ट्यूब होती है, जिसके द्वारा हमारा ओवरी से ओवम हमारा यूटरस की तरफ जाता है, वो बीच वाला जो पोर्शन है सारा फिलोपियन ट्यूब का होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो, जैसे फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह हो जाए, उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए उसमें दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। नंबर दो, वर्टिगो, अगर किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है उसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। हेडेक, किसी को अगर सेवियर हेडेक हो रहा हो, सर में ज्यादा दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गए तीन बेनिफिट्स, फिलोपियन ट्यूब, वर्टिगो और सेवियर हेडेक। अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप यूबी 64 से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब उसके ट्रीटमेंट का तरीका क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास ये स्टील की प्रोब है, तो इस पॉइंट को आप ये आप 20 से 30 सेकंड के लिए लगभग दबाएंगे, इस तरह से इस पॉइंट को दबाएंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, उतना दबाएंगे जितना पेशेंट वो टॉलरेट कर पाए, बर्दाश्त कर पाए, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज्यादा डीप नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसे ट्रीटमेंट करना है। अब इस ट्रीटमेंट को आप पूरे दिन में एक बार भी कर सकते हैं, और आपका कोई क्लोज है, फैमिली मेंबर है, तो आप उसको हर दो घंटे में, तीन घंटे में आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पेशेंट को तो आप एक बार ही ट्रीटमेंट देंगे, वो तो पेशेंट के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल हम बनाते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो उसके 10, 12, 15, 20 पॉइंट टोटल होते हैं, उसके हिसाब से हम उसको टाइम लगाते हैं, तब जाके लगता है आधा घंटा, ठीक है ना। तो बाकी आपके पास अगर ऐसा कोई फैमिली मेंबर है जिसको आप रिपीट कर सकते हैं, हर घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में आप ये रिपीट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। तो इस तरह से आपने पॉइंट को दबाया तो दिन में आपने ट्रीटमेंट कर लिया। अब रात में क्या करेंगे, शाम को सोते हुए इस तरह के पेपर टेप पे ये स्टार मैग्नेट लेंगे, और ये स्टार मैग्नेट लेके ये जो हमारा पॉइंट है यूबी 64 इस पॉइंट पर लगा देंगे। अभी बॉडी के दोनों तरफ हमारा पॉइंट होता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, तो दोनों तरफ आप ये इस तरह की स्टार मैग्नेट लगा देंगे। अभी शाम को, रात को आप लगाएंगे, और सुबह से अर्ली मॉर्निंग जब उठेंगे तब आप इसे रिमूव करेंगे। मैग्नेट को रख लेना है, मैग्नेट रियूज हो जाती है, मैग्नेट को फेंकना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ट्रीटमेंट करना है आपको, आपको रूटीन में अपनी दिनचर्या में सुधार करना है, खाने पीने में, जिससे कि आपको रोग ना आए, अच्छी हवा लेनी है, अच्छा पानी लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।